मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। भोजन का निवाला मुंह में डालने से पहले जरूर कीजिए यह तीन काम, गरीबी रहेगी कोसों दूर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस संसार में हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत में लगा रहता है। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काफी कोशिश करता है। भोजन एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत है। अगर हम सोचें बिना भोजन के हम जीवित रह सकते हैं, तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। रोटी एक ऐसी चीज है जो हमको हर हाल में चाहिए। मनुष्य एक बार के लिए कम कपड़े या फटे हुए कपड़े पहन सकता है। अगर उसके सर पर छत ना हो तो फुटपाथ पर भी वह अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन अगर इंसान के पेट में खाना ना रहे तो उसका जीवित रहना काफी कठिन हो जाता है। भोजन हमारे जीवन की सबसे पहली जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो रोजाना दिन में 2 से 3 बार भोजन अवश्य किया जाता है। परंतु क्या आपको इस बात की जानकारी है, भोजन करने से पहले यदि आप 3 खास कार्य करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप भोजन करने से पहले यदि 3 खास कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपको अपने जीवन में कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन से गरीबी कोसों दूर रहेगी। आज हम आपको भोजन करने से पहले कौन से 3 काम करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। भगवान की प्रार्थना करना। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो उसको कभी भी किसी चीज की कदर नहीं होती है और ना ही वह किसी चीज की कदर करना जानता है। जब भगवान इंसान को कुछ देता है तो हमको उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। आप सभी लोगों ने यह देखा ही होगा, जब व्यक्ति किसी परेशानी या मुसीबत में आता है तो वह भगवान को याद करता है या फिर उनको शिकायत करता है। परंतु आप लोगों ने कभी भी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं किया होगा। जो चीज आपको पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए आपने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया होगा। अगर आपको सही समय पर और पेट भर खाना मिल रहा है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भगवान का ही आशीर्वाद होता है। इसलिए जब भी खाना खाने बैठें, तो मुंह में भोजन का निवाला डालने से पहले भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना अवश्य कीजिए और उनका धन्यवाद दीजिए और उनसे आगे भी अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन और भोजन की कमी नहीं रहेगी। भगवान को भोग लगाएं। आप सभी लोगों में ज्यादातर लोग यह तो जानते ही होंगे, घर में अगर कोई पकवान बनाया जाता है तो सबसे पहले पूजा घर में भगवान के सामने उसका भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही परिवार के सदस्य भोजन करते हैं। भोग लगाई गई सामग्री को बाद में खाया भी जा सकता है या फिर किसी जरूरतमंद या जानवर को भी दिया जा सकता है। बस यह सामग्री व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। थाली के चारों ओर पानी घुमाना चाहिए। अगर आप भोजन करने के लिए बैठ गए हैं तो भोजन करने से पहले अपनी थाली के बगल में भगवान को थोड़ा सा भोग अवश्य लगा दीजिए। उसके पश्चात हाथ में थोड़ा पानी लेकर उसे थाली के चारों ओर घुमाकर छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके आसपास मौजूद अच्छी और बुरी शक्तियाँ शांत हो जाती हैं और आपको अच्छी शक्तियाँ आशीर्वाद देती हैं और बुरी शक्तियों की नज़र नहीं लगती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया गरीबी को कोसों दूर रखने के लिए भोजन का निवाला मुँह में डालने से पहले 3 काम जरूर करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।